प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास प्रोग्राम वायरल सच। जी हाँ, वायरल सच के इस प्रोग्राम में हम आपको भोजपुरी इंडस्ट्री की कुछ ऐसी जानकारियाँ बताते हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन क्या वो खबर जो आप सभी तक पहुँचाई जा रही है वो सच है? क्या उसके पीछे की पूरी सच्चाई आप सभी तक पहुँचाई जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार दर्शकों को बुमराह करने के लिए, दर्शकों को उनका ध्यान भटकाने के लिए कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी दर्शकों तक पहुंचा दी जाती है और उन्हें कई बार अपने स्टार्स को लेकर गलत फहमी भी पैदा हो जाती है। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम में आप सभी के लिए जो खबर लेकर आते हैं वो चुनिंदा खबरें होती हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, पर उसके पीछे की सच्चाई क्या है ये आपके बारे में हम आप सभी के लिए जाँच पड़ताल करके लेकर आते हैं और आप सभी के लिए कोशिश करते हैं कि आप सभी को सही से सही जानकारी और पूरी जानकारी आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत कर देते हैं प्रोग्राम की। पहले मैं आपको उन खबरों के बारे में हेडलाइन सिर्फ आपको बताती हूँ जो खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होती हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है इसके बारे में आगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले खबर वायरल हुई है खेसारी लाल यादव को लेकर, जिसमें कहा गया है कि खेसारी की फिल्म दुल्हन गंगा पार अब इस बार 11 मई को नहीं होगी रिलीज। जी हाँ, खेसारी की फिल्म, वैसे तो खेसारी की पहली फिल्म नहीं है जिसके बारे में इस तरीके की अफवाह फैली गई है, लेकिन या फिर सच्चाई फैली गई है। लेकिन आखिरकार क्या वाकई में खेसारी की जो फिल्म है ये दुल्हन गंगा पार के उसका डेट चेंज हुआ है? क्या वाकई में खेसारी लाल यादव को डेट को लेकर इस फिल्म में फिर से कोई नई अड़चन आई है? इसके बारे में हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। वहीं अगली खबर भी खेसारी लाल यादव को लेकर ही है। दरअसल इन दिनों खेसारी लाल यादव से जुड़ी ज़्यादा जानकारियाँ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि फिल्में भी उन्हीं की आ रही हैं, गाने भी उन्हीं के आ रहे हैं और वो ज़्यादातर अवार्ड शो, स्टेज शो में वही ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं। इसी वजह से उनसे जुड़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं। अगली खबर भी खेसारी से है, जिसमें कहा गया है कि खेसारी की पत्नी ने, जी हाँ, खेसारी अपने पत्नी के सामने उन्होंने गाया भोजपुरी का सबसे अलग तरह का गाना। उन्होंने इस बार खेसारी की पत्नी को लेकर उन्हें जोड़ दिया गया है उनके खबरों के साथ, लेकिन आखिरकार क्या है इसके पीछे की सच्चाई ये तो हम आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर खेसारी लाल यादव से ही है, जिसमें कहा गया है खेसारी को देख पूरा बॉलीवुड हैरान। बिल्कुल, खेसारी को एक बार फिर से बॉलीवुड किसे अटैच करवाया गया है, बॉलीवुड और खेसारी को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या वाकई में इस बार खेसारी और बॉलीवुड से जुड़ी कोई बड़ी खबर, बड़ी अटैचमेंट है इन दोनों की, या फिर खबरें फिर से अफवाहों में जो है वो ऐसी हवाओं में बना दी गई है और दर्शकों के सामने पेश कर दिया गया है? वहीं अगली खबर हमारे पास जो है वो भी खेसारी लाल यादव से ही जुड़ी हुई है, जिसमें कहा गया है कि खेसारी की फिल्म का गाना हुआ है वायरल और वो मचा रहा है बवाल। यानी कि खेसारी की कौन सी, वैसे तो उनके सारे गाने ही बवाल मचाते हैं, आई मीन टू से दर्शकों को पसंद आते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन आखिरकार इस बार खेसारी के कौन से गाने की बात की जा रही है, कौन सा है वो गाना जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा चर्चाओं में है, इसके बारे में हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। वहीं अगली और आखिरी खबर भी खेसारी लाल यादव के साथ जुड़ा हुआ है। खेसारी ने काजल को दिया है ये तोहफा। बिल्कुल, खेसारी लाल यादव को और काजल राघवानी को एक दूसरे की, उनकी दोस्ती की कहानी, उनकी प्यार की कहानी हमेशा ही चर्चाओं में रहती है, लेकिन इस बार खेसारी और काजल राघवानी की जो खबरें आई हैं वो कुछ अलग ढंग से आई हैं, अलग तरीके से आई हैं। पर क्या वाकई में इस खबरों के पीछे की पूरी सच्चाई है ये? क्या वाकई में खेसारी ने काजल को तोहफा दिया है? ये सारी जानकारी हम आप सभी के लिए ढूंढ कर, जांच पड़ताल कर पूरी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताते हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खेसारी की फिल्म दुल्हन गंगा पार अब 11 मई को नहीं होगी रिलीज। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर यह खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें खेसारी की फिल्म दुल्हन गंगा पार के रिलीज होने की डेट पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि यह खबर बिल्कुल सही है। जी हाँ, जहाँ पहले खेसारी लाल यादव की ये बहुचर्चित फिल्म दुल्हन गंगा पार के 11 मई को रिलीज होने वाली थी, तो वहीं अब फिल्म की टीम है और साथ ही खेसारी लाल यादव से ये अनाउंसमेंट किया गया है उनकी तरफ से कि ये फिल्म अब 11 मई को नहीं बल्कि ये फिल्म 18 मई को रिलीज की जाएगी भी सिनेमाघरों में, और दर्शकों का जो इंतजार है वो कुछ समय के लिए और बढ़ गया है। जो खेसारी लाल यादव के दर्शक हैं उन्हें कुछ समय के लिए और इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो फिल्म, उनकी सबसे खास फिल्म दुल्हन गंगा पार के अपने जो है वो अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकें। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये खबर बिल्कुल सही है, जिसमें खेसारी लाल यादव की फिल्म से जुड़ी खास जानकारियां शेयर की गई है।
खेसारी ने अपनी पत्नी के सामने गाया ये गाना। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, कुछ समय पहले खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वो अपने गांव यानी कि अपने गांव गए हुए थे अपनी बहन भतीजी की शादी में, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा धमाकेदार स्टेज शो भी किया था। अब इस स्टेज शो में खेसारी लाल यादव ने अपनी आने उस समय की सबसे खास एल्बम टेम्पो से जाली को बहुत ही मजेदार तरीके से गाया और दर्शकों ने भी उस गाने का खूब लुफ्त उठाया। अब ऐसे में खबर ये आने लगी कि खेसारी ने अपनी पत्नी के सामने ये गाना गाया था, जिसके वजह से शायद उनकी पत्नी थोड़ी बहुत नाराज भी हो गई थी, ऐसी खबरें सुनने को मिली थी। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये खबर सरासर गलत है। बिल्कुल खेसारी लाल यादव ने, जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है कि खेसारी लाल यादव ने स्टेज शो किया था, लेकिन उस स्टेज शो के दौरान वहां पर उनकी बीवी मौजूद थी यानी उनकी पत्नी मौजूद थी, ये खबर सरासर गलत है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का स्टेज शो काफी अच्छा रहा था, लेकिन उस स्टेज शो के दौरान उनकी पत्नी वहां पर मौजूद नहीं थी और ना ही वो खेसारी लाल यादव से नाराज हुई थी। खेसारी को देख पूरा बॉलीवुड है हैरान। बिल्कुल आप लोगों को बता दें कि खेसारी लाल यादव यानी कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के देसी हीरो खेसारी लाल यादव और बॉलीवुड को लेकर एक बार फिर से खबरें काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि ये खबर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे 5 मई को कलकत्ता में होने वाले सिने अवार्ड शो में खेसारी लाल यादव के साथ खेसारी लाल यादव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, जिसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स का जो रंग है वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसी बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब खेसारी लाल यादव या तो बॉलीवुड फिल्मों में काम करना शुरू कर देंगे या बॉलीवुड हीरो हमारे खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देंगे। वैसे हैरानी वाली बात तो है ही कि खेसारी लाल यादव इतने कम समय में इतने बड़े स्टार बन चुके हैं और उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। और इसी के साथ साथ शायद भविष्य में, फिलहाल अभी के लिए तो नहीं, लेकिन भविष्य में अगर खेसारी लाल यादव बॉलीवुड फिल्म में काम भी करते हैं तो ये इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। खेसारी की फिल्म का गाना मचा रहा है बवाल। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, खेसारी की फिल्म की अगर बात हो रही है और उनके गाने की बात हो रही है तो हम आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों खेसारी की फिल्म दुल्हन गंगा पार के कई ऐसे गाने हैं जो बैक टू बैक रिलीज किए जा रहे हैं ऑडियो में, और ये सभी गाने दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन इन सब के बाद खेसारी का जो गाना सबसे ज़्यादा बवाल मचा रहा है वो है आम्रपाली के साथ तू गाना। जी हाँ, जो है प्रोमो सॉन्ग मरद अभी बच्चा बा। वैसे तो ये जब जिस समय पर इस गाने की शूटिंग ही चल रही थी उसी समय पर ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा, लेकिन इन सब के बाद आज जब ये गाना बतौर ऑडियो ही रिलीज़ हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही है और इस गाने के ज़रिए एक बार फिर से खेसारी लाल यादव और आम्रपाली की चर्चाएं काफी ज्यादा मार्केट में बनी हुई है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी लाल यादव की ये फिल्म का जो गाना है मरद अभी बच्चा बा वो वाकई में दर्शकों के बीच इस गाने को सुनने के लिए बवाल मचा रहा है। और ये गाने का जब वीडियो रिलीज होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्शकों की तरफ से क्या खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। खेसारी ने काजल को दिया ये खास तोहफा। आप सभी को बता दें सोशल मीडिया पर इन दिनों खेसारी और काजल की लव स्टोरी या यूं कहें कि उनकी दोस्ती काफी ज्यादा सुर्खियों में है। भले ही ये दोनों एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, ज्यादातर एक साथ फिल्में नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद खेसारी की इससे जुड़ी ये खास जानकारियाँ काफी ज्यादा सुर्खियाँ बन रही है। अब इसी बार ले कह लीजिए देख लीजिए कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी को तोहफा दिया है, लेकिन आप सभी को बता दें कि ये खबर सरासर गलत है। जी हाँ, जो तोहफे की जानकारी आप सभी को दी जा रही है ये यूँ कहें जो खबरें आप सभी को बताई जा रही है खबर सरासर गलत है। इस समय पर खेसारी लाल यादव अपने स्टेज शो और अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं, तो वहीं काजल राघवानी अपने भी अवार्ड शो और स्टेज शो के साथ साथ अपनी फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया के लिए काफी ज्यादा बिजी चल रही है। वैसे उनकी दोस्ती तो है ही हमेशा चर्चाओं में रहने वाली, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस खबर को गलत ही बताएंगे जिसमें कहा गया है कि खेसारी ने काजल राघवानी को तोहफा दिया है। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की 5 ऐसी बड़ी खबर जो कि सोशल मीडिया बड़ी खबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खबरों के पीछे की कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में जो खबर हमने आपको बताया है या जो खबर आपको सोशल मीडिया पर बताया गया था वो सच था या फिर गलत,
उन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं और बताते हैं आपको इसमें पूरी जानकारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जो फेवरेट स्टार हैं, आपके जो भोजपुरी फेवरेट सुपरस्टार हैं, उनसे जुड़ी हर जानकारी आप सभी तक पहुँचे, लेकिन गलत जानकारी आप सभी तक ना पहुँचे। इसीलिए हम अपने इस खास प्रोग्राम को आप सभी के लिए लेकर आते हैं और हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो कमेंट लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में अपने सुपरस्टार्स के बारे में, अपने बारे में, या कोई अपनी दिल की बात लिखनी हो, किसी को मैसेज भेजना हो अपने दिल की बात के द्वारा, तो वो भी आप हमारे इस प्रोग्राम में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आप सभी तक वो प्रोग्राम की पूरी जानकारी पहुँचा सकें। और इसी के साथ साथ ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल दोस्तों आज के खास प्रोग्राम पर यहीं लगाते हैं विराम। कल मैं आपके सामने आपके वायरल सच में कुछ अलग खबरें, अलग जानकारियाँ आप सभी के लिए जांच पड़ताल कर लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको हमारा चैनल यानी कि नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को देखना होगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना होगा ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। आज के खास प्रोग्राम में अब इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।